अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। एएफसी के जो 20 अगस्त को ऑनलाइन पेपर होने थे, उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए पेपर देने के लिए। वहाँ मैंने कहा था कि जैसे ही सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आईकैप ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको प्रैक्टिस मटीरियल भी दे दिए हैं और आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दिया कि आपने पेपर किस तरह देना है, किस तरह आएगा, उससे जो है रिलेटेड आपको जो है एक सॉफ्टवेयर भी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। तो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इसलिए आपको दिया गया ताकि आप जो है पेपर से फेमिलियर हो सकें कि आपका पेपर किस तरह आएगा और उसे किस तरह जो है वो आपने सॉल्व करना है ऑनलाइन। अब आपने क्या करना है, आपने आईकैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पे अपनी प्रोफाइल में लॉग इन होना है। स्टूडेंट आईडी में लॉग इन होने के लिए अपना सीआरआर नंबर देना है, पासवर्ड देना है। वहां से लॉग इन होने के बाद आपने प्रैक्टिस टेस्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जाना है। वहां आपके पास ये दो फाइल्स होंगी, पहली फाइल और दूसरी फाइल, आपने दोनों जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। दूसरी फाइल में आपके पास सॉफ्टवेयर होगा और पहली फाइल में आपके पास स्टूडेंट आपके पास उसके पासवर्ड्स और आईडी होगी, स्टूडेंट आईडी। अब ये जो टेस्ट है ये आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम तक आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो ये कोई टेंशन नहीं कि एक दफा आप टेस्ट देंगे तो दूसरी बार आप टेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। और इसके बाद ये किस लिए बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया क्या कि आप जो है एग्जामिनेशन के सॉफ्टवेयर से फेमिलियर हो सके। अब हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर लेते हैं। फाइल जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो एक जिप फाइल बन जाएगी, उस जिप फाइल को आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये आ रही है फाइल असेसमेंट के नाम से, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये कुछ टाइम लेगी ओपन होने के लिए और ये जैसे ही ओपन होगी तो आपके पास कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा, जो आपसे स्टूडेंट आईडी मांग रहा होगा, पासवर्ड मांग रहा होगा। तो स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड आपको कहां से मिलेगा, जो आपने पहली फाइल डाउनलोड की होगी, ठीक है। वो जो पहली फाइल आपने डाउनलोड की वहां पे आपने जाना है, उस फाइल में आपके पास इस तरह की पहली फाइल आ रही होगी जो आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में बता रही होगी कि आपने किस तरह जाना है, कहां कहां चीजें लेनी है, ठीक है। तो ये आपने जैसे ही इस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड, हर एक टेस्ट का स्टूडेंट आईडी दी होगी आपको, जो आपने कॉपी करनी है और इधर लाके आपने पेस्ट कर देनी है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका पासवर्ड भी जो है वो कंट्रोल सी कॉपी करना है और लाकर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ टाइम लेगा और आपके पास टेस्ट जो है वो लॉग इन साइट के अंदर चला जाएगा और आपका टेस्ट जो है वो लॉग इन हो जाएगा। अब ये जैसे ही लॉग इन होगा तो आपके पास एक टेस्ट ओपन हो जाएगा, जिस टेस्ट को आप आराम से दे सकते हैं। अभी कुछ देर के अंदर ये टेस्ट जो है हमारे पास हमारी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा, लोडिंग में कुछ टाइम लेगा। ये टेस्ट हमारे पास जो है वो ओपन हो चुका हुआ। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपने इंस्ट्रक्शन को जो है वो केयरफुली रीड करना है, जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने कैसे कैसे इसको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये देखें नेक्स्ट आगे, जैसे आप जाएंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपके पास ओपन हो रहे हैं इनको आप टिक कर लेंगे, ठीक है। जिस जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा उसको आप टिक कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास ये देखें पेज आ रहे हैं, पेज आपके पास यहाँ पे भी आ रहे हैं 42 और यहाँ से भी आ रहे हैं। जो भी पेज पे आप डायरेक्ट स्विच करना चाहते हैं, जैसे मैं 40 पेज पर डायरेक्ट स्विच करना चाहता हूँ, मैं 40 पे क्लिक किया, वहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है वो चला गया। अब मैं पेज नंबर 40 के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या ये फ्लैग है, अगर मैं इसे फ्लैग कर दूंगा तो ये मेरा पेज जो है वो फ्लैग आउट हो जाएगा। तमाम वही ऑप्शंस है जिसको मैं पहले भी यूज करता था। फ्लैग से क्या होगा कि वो यहाँ पे आपको एक छोटा सा फ्लैग का बटन जो है वो शो हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरह जो है वो ऑप्शन भी शो हो जाएगी कि इस पेज को आपने फ्लैग किया, यानी कि आप उसको बाद में देखना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए तो आपके पास टाइम चल रहा है, यहाँ पे मेरे पास टाइम चल रहा है जो कि मुझे यहाँ पे शो होता रहेगा। अगर मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास टाइम कितना रह चुका हुआ है, अब मैं पेपर में कितनी देर रह गई है कि इस पेपर को मुझे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अब आप दूसरा पेपर खोलना चाहते हैं तो आपने इसको क्लोज करना है, क्लोज कर देंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। दोबारा आपने वहीं पर जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये फिर से जो है प्रोसेस के लिए कुछ टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये दोबारा आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं उस पेपर का आपने यहाँ से जो है स्टूडेंट आईडी कॉपी करनी है और उसके बाद यहाँ से उसका पासवर्ड कॉपी करना है। दोबारा स्टूडेंट में लॉगिन में जाके वहां पे आपने स्टूडेंट आईडी देनी है और पासवर्ड देना, लॉगिन पे क्लिक करना, आपके पास दोबारा जो है वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट को जो है वो आप मल्टीपल टाइम तक जो है वो चला सकते हैं, जब आप चाहें उसको जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी में आपने लॉगिन होना है, लॉगिन होने के बाद आपके पास वो आ जाएगा और उसको आपने परफॉर्म कर लेना है। अगर आप दूसरा टेस्ट चलाना चाहते हैं तो आपने उसको क्लोज करना है, क्लोज करके वेट करना है जितनी देर तक वो क्लोज होगा। जब वो क्लोज होगा फिर आपने अगेन जो है वो असेसमेंट मास्टर जो है उसको दोबारा आपने ऑन करना है और दोबारा से अपना स्टूडेंट आईडी देनी है और पासवर्ड देना है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ये फुल स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है, ये आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आपके पास फुल स्क्रीन आएगी तो आपने ऑल टैब 4 प्रेस करना है, एक दफा प्रेस करेंगे तो आप वो फुल स्क्रीन आपसे एग्जिस्ट हो जाएगी।
और अगर आप दो दफा ऑल्ट एफ फोर प्रेस करेंगे तो आप जो है उस ब्राउजर से एग्जिट हो जाएंगे और वो जो सॉफ्टवेयर आपके पास खुला था वो आपके पास क्लोज हो जाएगा। इसके बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर है उसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट के ऊपर 8 अगस्त को अपलोड हो जाएगी। उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जाके जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन